अलैकुम सिक्स क्लास डे 24 का वर्क है। डे 24 में MCQs दिए हुए हैं, आपने MCQs बहुत तवज्जो से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद उसके राइट आंसर पे टिक करना। फर्स्ट MCQs है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन अक्यूट एंगल, इनमें से कौन सा एंगल अक्यूट एंगल नहीं है। देखिए अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑलवेज स्मॉलर 90। अक्यूट एंगल इज़ एंगल विच ऑलवेज स्मॉलर दैन 90 से स्मॉलर दैन जितने भी हैं वो सब अक्यूट एंगल है। देखिए 90 से स्मॉलर है, 78 90 से स्मॉलर है, 65 90 से स्मॉलर है, तो 90 ही एक ऐसा एंगल है जो एक्यूट एंगल नहीं है। ऑपोजिट एंगल्स आर टू ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब ट्राइंगल्स आर क्लासीफाइड, ट्राइंगल्स को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और एंगल दोनों के लिहाज से। साइड के लिहाज से तीन काइंड्स हैं ट्राइंगल की, और एंगल के लिहाज से तीन काइंड्स हैं। साइड के लिहाज से इक्वलेटर, स्केलेन और आइसोस्केल है, थ्री काइंड्स हैं। और अगर आप एंगल के लिहाज से देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल के लिहाज से है। तो इसका मतलब साइड और एंगल दोनों आएगा। सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का जो सम है ऑलवेज 180 होता है। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर दैन दिस साइड, ये पैथागोरस है। पैथागोरस में ये बताया हुआ है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है बेटा, आपने बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।